दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2019 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आज की ताज़ा खबरें और आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आधार कार्ड पर नया नियम लागू हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में ऑनलाइन पैसे के लेन देन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही मैं आपको बता दें चुनाव का ताज़ा अपडेट भी आपके लिए हाजिर है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। ये बदलाव हुआ है आधार कार्ड के अपडेट को लेकर। जी हां, आपको बता दें कई बार आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम गलत होता है, तो आपको बता दें नाम बदलवाने को लेकर और डेट ऑफ बर्थ बदलवाने को लेकर एक बड़ी खबर और नया नियम आया है। नए नियम के तहत अब आप अपना नाम आधार कार्ड पर दो बार से ज्यादा नहीं बदलवा पाएंगे। साथ ही में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और आप उसे सही करवाना चाहते हैं तो आपको एक दूसरा प्रूफ देना होगा, लेकिन उस प्रूफ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आधार कार्ड पे लिखी है, यानी अंतर 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आप पूरे विश्व में कर सकेंगे UPI के जरिए भुगतान, इन देशों से होगी शुरुआत। जी हां, अगर आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते होंगे तो आप UPI के बारे में जरूर जानते होंगे। UPI भारत का अपना पेमेंट ट्रांसफर मेथड है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये इंडिया के अंदर है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी आप इसके जरिए दूसरे देश में भी भुगतान कर पाएंगे, तो ये एक भारत के लिए बड़े गर्व की बात होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन्वेस्ट करे 500 रुपए और कमाए 1000 रुपए। जी हाँ, आज के दौर में पैसा कौन बचाना नहीं चाहता। आपको बता दें आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहे तो 100 रुपए, 50 रुपए या आप 2000, 10000, 1 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसके बारे में खबर आई है जिसका नाम है अपस्टॉक्स। आपको बता दें शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, लेकिन आपको बता दें ये अपस्टॉक्स जो कंपनी है ये आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के देगी। आपको बता दें ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस कंपनी में खुद रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। साथ ही में एक रेफरल कोड भी दिया गया है, अगर आप उस रेफरल कोड से अपना अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे आके तो जो डीमैट अकाउंट है वो आपका बिल्कुल फ्री में खुल जाएगा, जिसके 500 रुपए तक लगते हैं। अगर आप इस पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही में 20 लकी विनर को फ्लिपकार्ट वाउचर मिल सकते हैं खरीदारी करने के लिए। साथ ही में आपको इस पर 28,000 रुपए का और फायदा मिलेगा सब्सिडी के रूप में। तो दोस्तों आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लगाकर हर महीने या हर रोज 1000 रुपए कमा सकते हैं। हमने वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और रेफरल कोड भी है, आप जाकर रजिस्टर करें और पैसे कमाएं। आपको बता दें जिन ऑफर के बारे में मैंने आपको बताया वो दिवाली के ऑफर है, तो इसीलिए आपको जल्दी करनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमाम एग्जिट पोल की खुली पोल्स, सिर्फ ये इकलौता सर्वे रहा नतीजों के करीब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन आपको बता दें चुनाव से पहले बहुत सारे हमारे सामने सर्वे आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये पार्टी जीतने वाली है। लेकिन आपको बता दें इस बार जो भी बड़ी बड़ी न्यूज कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल लोगों को दिखा रही थी कि भाजपा आगे चल रही है, कि भाजपा ही जीतेगी, लेकिन आपको बता दें उन सभी के एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं। आपको बता दें हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा पहले के मुकाबले पीछे हो गई है। आज की जो अगली खबर है वो चुनाव के नतीजे से लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटें हैं, जिसमें से 104 सीटें भाजपा को मिली हैं, शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं, NCP को 54 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को महाराष्ट्र में 45 सीट मिली है और अन्य दल को महाराष्ट्र में 29 सीट मिली है। पिछली बार भाजपा को 2014 में 122 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 104 ही मिली है, यानी भाजपा का जलवा कम होता जा रहा है। यही हाल हरियाणा का भी है। हरियाणा में भाजपा के हाथ 40 सीट लगी है, वहीं कांग्रेस के हाथ 31 सीट लगी है, वहीं जसपा के हाथ 10 सीट लगी है और जो इनेलो दल है उसको 1 सीट मिली है और जो अन्य दल है उन्होंने 8 सीट हासिल की है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो विधानसभा चुनाव हुआ है दो राज्यों में उनका ये ताजा हाल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक ने दिखाया दम, फेसबुक और इंस्टाग्राम को पछाड़ा, बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। जी हाँ, वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक ने सितंबर में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया ऐप को पछाड़ दिया है। वहीं सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका, जुर्माने के साथ करना होगा 92,000 करोड़ रुपए का भुगतान। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को जोरदार झटका दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, BSNL, MTNL जैसी कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपए का एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR का भुगतान दूर संचार विभाग को करना होगा।
साथ ही में टेलीकॉम कंपनियों पर कुछ जुर्माना लगाया गया है, वो भी कंपनियों को देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धनतेरस 2019 का शानदार ऑफर, सिर्फ ₹1 में पेटीएम से खरीद सकते हैं सोना। जी हाँ, आपको बता दें डिजिटल दुनिया हो जाने से काफी कुछ का लाभ मिला है। आपको बता दें अब आप पेटीएम से ₹1 का भी सोना खरीद सकते हैं, और अगर सोने का दाम बढ़ेगा तो वो आपका ₹1 आने वाले दिनों में ₹2, ₹3 या ₹5 भी हो सकता है। आप पेटीएम में जाकर ₹1 से लेकर लाखों रुपए तक के सोने खरीद सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें पेटीएम की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि जो सोना आप पेटीएम पे खरीदेंगे यानी डिजिटल तरीके से ऑनलाइन, उसे आप ऑफलाइन भी बहुत सारी जगहों पर रिडीम कर सकेंगे, जो भी बड़ी बड़ी ज्वेलर कंपनियां हैं उनके स्टोर पर। साथ ही मैं आपको बता दें आज धनतेरस का मौका है, इसीलिए अभी सोने चांदी पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज गुरुवार को पेट्रोल 5 पैसे सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में ₹73.17 है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 5 पैसे की गिरावट की गई है, और अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में ₹66.06 का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैटरीना कैफ ने लॉन्च किया अपना मेकअप ब्रांड के ब्यूटी, बनी अब बिजनेस वुमेन। जी हाँ, बॉलीवुड की गर्ल कैटरीना कैफ अब बिजनेस वुमेन बन गई है। कैटरीना ने नायका के साथ मिलकर अपना एक मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम के है, यानी कि KAY। आपको बता दें ये एक ब्यूटी कंपनी होगी जिस पर आपको 64 से ज्यादा आइटम मिलेंगे ब्यूटी के लिए। साथ ही में कैटरीना कैफ ने बताया कि जो इनके प्रोडक्ट होंगे वो काफी किफायती होंगे, ज्यादा महंगे नहीं होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल ने लॉन्च किए ये खास ऐप, सोशल मीडिया और मोबाइल की लत से दिलाएंगे छुटकारा। जी हाँ, दिग्गज सर्च कंपनी गूगल ने सोशल मीडिया पर घंटों बिताने वाले यूजर के लिए 6 ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप के जरिए लोगों को बार बार फोन में मैसेज और नोटिफिकेशन चेक करने की परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें गूगल ने अनलॉक क्लॉक, पोस्ट बॉक्स, पेपर फोन, डेजर्ट आइलैंड, वी फ्लिप और मॉर्फ ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है, जो कि आपके फोन चलाने के एक्सपीरियंस को बदल के रख देंगे। आप इन नए ऐप को जो गूगल ने लॉन्च किए हैं डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले जो आज का हमारा सवाल है वो हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा सर्वे भी यही है, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर सबसे ईमानदार राजनीतिक पार्टी कौन सी है, भाजपा, कांग्रेस या कोई और। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 अक्टूबर 2019 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 25 अक्टूबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान और भारी बारिश का हाई अलर्ट भी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटका में, कोंकण में और गोवा में और उड़ीसा में और गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं इन जगहों के 1-2 स्थानों पर भारी से भी ज्यादा बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में, बिहार में, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा बना रह सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार को लग सकता है झटका, फिच ने घटाया GDP का अनुमान। जी हाँ, फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष में GDP का वृद्धि का अनुमान घटा दिया है। आपको बता दें जैसा कि आप जानते हैं भारत में अभी इस चीज का डंका पीटा जा रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में भारत की GDP घट गई है पूरी दुनिया में। वहीं फिर से एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत की GDP है वो और नीचे आ सकती है। आपको बता दें GDP नीचे आने से पूरे देश के लोगों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है और भी बहुत सारे असर पड़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री ने पेश की खेल भावना की मिसाल, खुद पानी लेकर पहुंच गए बीच मैदान में। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने खेल भावना की मिसाल पेश की है। अभ्यास मैच के दौरान प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज से पहले श्रीलंका का सामना प्राइम मिनिस्टर 11 से हो रहा था। श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन अपनी टीम के लिए खुद मैदान में कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए और लोग देखते रह गए कि एक प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब मिनटों में हल होंगी 10,000 साल में हल होने वाली समस्या। जी हाँ, ये बात सुनकर शायद आपको बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन आपको बता दें ये बात कोई और नहीं बल्कि दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल ने कहा है। गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की है जो कि स्पीड के मामले में आसानी से मॉडर्न कंप्यूटर को पछाड़ सकती है। गूगल ने इसे क्वांटम सुप्रीमेसी का नाम दिया है। गूगल ने कहा है कि दुनिया का मौजूदा सबसे तेज जो अभी कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को जिस काम को करने में 10,000 साल लगेंगे, उस काम को जो नई चिप विकसित की गई है वो मात्र 200 सेकंड के अंदर करके दिखा देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, 40,000 लोगों को मिलेगा बोनस। जी हाँ, राजस्थान में बिजली कंपनियों में दिवाली इस बार 27 अक्टूबर से पहले ही आ गई है। राजस्थान के 40,000 कर्मचारियों को बोनस मिलने
चलने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग ने भी बोनस के आदेश जारी किए हैं। 6,774 रुपए का बोनस कर्मियों को मिलेगा। L12 पे ग्रेड तक के कर्मियों को कंपनी एक्ट और श्रम कानूनों के प्रावधान के अनुसार दीपावली बोनस मिलेगा, यानी 6,774 रुपए बैंक खाते में आएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस कंपनी के रोबोट को चाहिए आपका चेहरा, मिलेंगे 92 लाख रुपए। जी हाँ, आपको बता दें जियोमिक एक ऐसा रोबोट तैयार कर रही है जो इंसानों की तरह काम करेगा, साथ ही में इंसानों की तरह दिखाई भी देगा। इसके लिए एक चेहरा चाहिए जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपका फेस पसंद आ जाएगा तो आपको 92 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको अपनी फोटो इस वाले ईमेल आईडी पे भेजनी होगी, faces@jiomic.com पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धनतेरस के दिन सोने का भाव हुआ 38,900 के पार, चांदी भी हुई है महंगी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आज धनतेरस का दिन है और बीते दिन चांदी 110 रुपए महंगी हो गई है। इस महंगाई के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 38,900 रुपए की मिलेगी। अगर बात की जाए सोने की, तो सोने के भाव में भी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी सोना 75 रुपए महंगा हुआ है और अभी आपको 10 ग्राम सोना दिल्ली के सर्राफा बाजार में 38,945 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वामी ने 24 दिन में 5 लाख से ज्यादा टीवी बेचकर बनाया नया रिकॉर्ड। चीन की कंपनी भारत पे कर रही है राज। जी हाँ, चीनी स्मार्टफोन कंपनी स्वामी ने इस महीने के शुरुआती में 24 दिनों में 5 लाख टीवी बेचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें स्वामी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि चीन की कंपनी होकर चीनी कंपनी ने भारत पर अपनी पूरी धाक जमा ली है। बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो देखें वीडियो, घर में पटाखा बनाते समय हुआ धमाका, एक की मौत। जी हाँ, ये घटना कानपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां सोमवार को देर शाम को द्विवेदी नगर में पटाखों में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें जिस समय ऐसा हुआ उस समय का एक लाइव वीडियो है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2019 की ये ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।